बॉलीवुड में जैसे दिवाली और ईद पर फिल्में रिलीज का त्यौहार मनाया जाता है, उसी तरह हॉलीवुड में भी क्रिसमस एक खास मौका होता है दर्शकों को लुभाने का। सुपर हीरो की फिल्म डेडपूल की नई फिल्म वंस अपॉन अ डेडपूल का ट्रेलर सोमवार को रिलीज किया गया है। फिल्म 12 दिसंबर को रिलीज होगी। वैसे यह डेडपूल की नई फिल्म न होकर डेडपूल 2 का रीकट वर्जन है, जिसमें से बच्चों के लिए अनुचित कंटेंट हटाकर उसे PG-13 स्टेट में बनाया गया है। फिल्म के ट्रेलर से लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फिल्म में उन्हें क्या देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स की माने तो 20th सेंचुरी फॉक्स फिल्म की हर बिकी हुई टिकट में से $1 फर्ज कैंसर नाम की संस्था को दान देगा। ट्रेलर की शुरुआत में डेडपूल को निहायत ही सीधा और अच्छा इंसान बताया जाता है। बैकग्राउंड की वाइज कहती है कि इस क्रिसमस नागरंग के कपड़ों में एक बहुत अच्छा इंसान आपसे मिलने के लिए आने वाला है। और अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि डेडपूल ने एक्टर फ्रेड सैवेज को किडनैप कर लिया। डेडपूल अपनी फिल्म को फैमिली के साथ देखने लायक बनाने के लिए किडनैप करता है। इस फिल्म में डेडपूल फ्रेड को फिल्म की कहानी सुनाते हुए दिखाई देगा। इसका अंदाजा फ्रेड की फिल्म द प्रिंसेस ब्राइड से मिलता जुलता होगा। कहा जाता रहा है कि डेडपूल का कैरेक्टर इस द प्रिंसेस ब्राइड की पैराडी से दिखाई देगा। डेडपूल के एक्टर ने रेयन रेनॉल्ड्स ने अपने इंस्टाग्राम पर वंस अपॉन अ टाइम डेडपूल का ट्रेलर शेयर किया हुआ है। रेयन ने ट्रेलर के साथ लिखा था उन सभी पेरेंट्स के लिए जिन्होंने पूछा था कि क्या उनके बच्चे डेडपूल देख सकते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड टॉलीवुड के सारे लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल स्पीडी न्यूज़।